हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर मतलब आज पूछे गए प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी जानेंगे और आंसर्स को भी समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? इसका आंसर है केरल। सेरीकल्चर किस से संबंधित है? इसका आंसर है रेशम कीट माला से। और तीसरा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? इसका आंसर है 1986। और फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है शिमला। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? इसका आंसर है तमिलनाडु। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोरजीरा दल्ला जोड़ता है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? इसका आंसर है भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मार्स ऑर्बिट्स मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 5 अगस्त 2013 को। 5 अगस्त 2013 को इसरो ऑर्बिट्स मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, लोकसभा से अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 552। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मास 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? 60 kg वेट, इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? इसका आंसर है जैव विविधता, 5 जून। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर है वाटसन एवं क्रीक ने। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर है माहे पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है फागू चौहान। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है NH44। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 22 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। एग्जाम्स में आप लोग जाएं तो बिना नर्वस के जाएं और बिना नर्वस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस के सारे आंसर्स करें, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत बहुत ईजी आ रहे हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1905। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर है कल्हन। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? इसका आंसर है सिपकी ला दर्रे, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर है 1556 में। भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है प्लेसेंटा से। अगला क्वेश्चन है, 95वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? इसका आंसर है अलिकतम नंबूदरी, और ये मलयालम के हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, चिकन करी किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। पहला वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किस दो शहरों के लिए चलाई गई थी? इसका आंसर है दिल्ली से वाराणसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है गुजरात।
एनेस्थेसिया के लिए किस पदार्थ को इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है क्लोरोफॉर्म। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? इसका आंसर है चेचक। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। नेक्स्ट है के चूहे का पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1881 और लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है भारत में रामसर साइट कितनी है? इसका आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पदार्थ की मात्रा को किस में पाया जाता है, सॉरी पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर है मोल। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम थी? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट है रेलवे के पहले CEO कौन है? तो रेलवे के पहले CEO थे विनोद कुमार यादव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया है? इसका आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स अब हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है सेकेंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है एमपी के गवर्नर कौन है? तो एमपी के अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जलियांवाला बाग इन विच किस ईयर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट है मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर है केरला 1921 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुई थी? तो इसका आंसर है 28 जून 1757। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 28 जून 1757 याद रखिएगा। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और नेक्स्ट है नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय हु इन इंडिया? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। और अगला क्वेश्चन है FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि NDA अकेडमी भारत में कहाँ है? तो इसका आंसर है पुणे में खडकवासला में। नोकिया के CEO कौन है? इसका आंसर है पेक्का लंडमार्क। BARC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई। बाफ्ता के चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर है कृष्णेंदु मजुमदार। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ सैफ्रॉन किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। पेटीएम के CEO कौन है? तो इसका आंसर है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है गोल गुमलेज कहाँ लोकेट है? तो गोल गुमलेज लोकेट है विजयपुरा कर्नाटका में। नेक्स्ट है विजयपुरा कर्नाटका में कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, कहाँ है? तो इसका आंसर है वायनाड। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च विसल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के गवर्नर अभी कौन है? तो इसका आंसर है कालराज मिश्र। वेन मुद्रा किस देश का मुद्रा है? तो इसका आंसर है जापान। येन जापान की मुद्रा है। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है, कौन सा है? तो इसका आंसर है रेवा सोलर पावर प्लांट और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? ये चाइना में है हेनान में और ये स्प्रिंग टेंपल बुद्धा में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है G20 2020 कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सऊदी अरबिया। वाइस प्रेसिडेंट का की सैलरी कितनी है? तो इसका आंसर है 4 लाख। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 8848 मीटर।
फीफा 2022 की वेन्यू क्या होगी? इसका आंसर है कटर। कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार 1930 किससे रिलेटेड है? ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के किस लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर है ब्लड क्लोट के लिए। नेक्स्ट है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर है डॉल्फिन। ब्लड का पीएच क्या होता है? इस ब्लड का पीएच होता है 7.4। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। टिस्को इस्टेब्लिश इन विच ईयर? इसका आंसर है 1907। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इसका आंसर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल मूल्य पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? इसका आंसर है बयालिसमा। और अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया का कैपिटल कहाँ है? इसका आंसर है उलन बटोर। और सेवा समुद्रम किस राज्य में है? इसका आंसर है कर्नाटका। विजिबल लेयर ऑफ सन से कोई एक क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स के एनालिसिस मैं डेली आपके लिए लाऊंगी, इसका वीडियो लाकर आपके सामने रखूंगी। और फ्रेंड्स, इस सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।